कम्युनिकेशन, इसके बारे में जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ था हमारे पास वो है टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला कन्वर्सेशनल स्किल पढ़ेंगे, उसके अंदर लिसनिंग स्किल पढ़ेंगे एंड टेक्निकल स्किल पढ़ेंगे। कन्वर्सेशन स्किल पे हम आते हैं। कन्वर्सेशन स्किल मतलब ये है कि आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। बातचीत करने के तरीके में हम सबसे पहले देखेंगे फोकसिंग। फोकसिंग मतलब अगर आप दो जन बात कर रहे हो तो उसमें आपको उसकी बात का गौर देना चाहिए, या आपको फोकस करना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। दूसरा अगर ये पार्ट है, आपको जो बात अगर किसी बारे में, किसी रिलेटेड बात के बारे में अगर आपको पता है तो उसके बारे में आपको संक्षिप्त विवरण पता होना चाहिए, या थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तीसरा है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो आप दो लोगों के बीच में आपस में शेयर कर सकते हैं, या फिर आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्योरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर क्लैरिफाई एंड समराइजिंग मतलब आप उसको क्लियर करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें कन्वर्सेशन करके आपस में, या फिर उसको समराइज करें मतलब उसको शॉर्ट टर्म में उसको समझाने की कोशिश करें ताकि आपका कन्वर्सेशन और भी बेटर हो सके। दूसरा हम आते हैं लिसनिंग स्किल पे। लिसनिंग स्किल का मतलब ये है कि आपको लिसनिंग यानी किसी को सुनने की, किसी को समझने की पावर होनी चाहिए। उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, कि अगर आप दो जन या ग्रुप में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ग्रुप में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे की बात को अच्छे से सुने, अच्छे से समझें। साइन उस टाइम जिस टाइम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम साइलेंस को मेंटेन रखें। तीसरा हम बोलेंगे लिसनिंग विद पर्पज। आप किस पर्पज से उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पर्पज आपके पास होना चाहिए। चौथा आ गया गिविंग फीडबैक। फीडबैक मतलब आपने कम्युनिकेट किया आपस में, क्वेश्चनिंग की, आइडियाज को शेयर किया, अच्छे से सुना, अच्छे से साइलेंस को मेंटेन रखा, उसके बाद में आपने उससे क्वेश्चनिंग की, तो ये आपने आप उसको फीडबैक क्या देने वाले हैं वो डिपेंड करेगा। तीसरा है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज। इसके अंदर आप नॉन वर्बल क्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको किसी को कोई चीज़ समझानी है बॉडी लैंग्वेज से, अपनी वर्बली टॉक से, या फिर रिटर्न वर्क करके, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा शेयरिंग अपनी फीलिंग, यानी कि आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, आपने कोई टॉपिक डिसाइड किया है या डिस्कस किया है उसके बारे में, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया उस चीज़ को लेके और उसकी रियलिटी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए और उसी को आप रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटिंग रियलिटी और उसकी।